किसी एक व्यक्ति को कई मामले में सजा होती है और चुनाव आयोग के सेक्शन 83 में यह है कि 2 साल से अधिक सजा होने पर अयोग्य हो जाएंगे वो विधायक सांसद रहने से, तो एक व्यक्ति पर जितने मुकदमे हैं सबको जोड़ा जाएगा, तो चारों को जोड़ते हैं तो इनके प्रत्याशी के ऊपर 4.5 साल का कैद का ये हो जा रहा है। तो अब इसको भी 5 जज हैं, उनको जज मानेंगे, जरूर दिया माना है तो क्या उसको देखा अपना उम्मीदवार तय करते समय इन्होंने? वैसे ही हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, झारखंड हाईकोर्ट ने, और ईडी को कहा है कि जो भाजपा के विधायक डोल्लू महतो हैं उनके ऊपर आप जांच करिए। ईडी ने कोर्ट में एफिडेविट करके कहा कि हमने ECIR दाखिल कर लिया है 9/23 मार्च 23 का, और हम जांच कर रहे हैं। तो ये जांच का जो आदेश दिया हाईकोर्ट के जज ने, खंडपीठ ने, तो वो भी तो जज हैं कि नहीं है बाबूलाल जी, जरा उनके बारे में कुछ कहते हैं। मैं तो नहीं हूँ जज, वो भी जज नहीं है, मगर हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में रोज अखबार में जजमेंट देते रहते हैं, तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो आरोप जैसे आरोप हेमंत सोरेन पर लगे हैं वैसे ही आरोप आपसे गंभीर आरोप आपको उम्मीदवार पर लगे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसके बारे में? तो केवल इसीलिए मैंने बुलाया है बताने के लिए कि जजों ने, मैं नहीं, अधीनस्थ जुडिशियरी के, सुप्रियर जुडिशियरी के, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इसके बारे में अलग अलग अपने निर्णय दिए, इसके बारे में उनको बता देना चाहिए। दूसरा, मैंने ये कहा कि धनबाद में जैसे ही इनको उम्मीदवार घोषित हुए और एक भाजपा के कार्यकर्ता कृष्ण अग्रवाल ने विरोध में अपने प्रदेश अध्यक्ष मरांडी जी को चिट्ठी लिखा कि ये अच्छे उम्मीदवार नहीं है, तो 4 घंटा के भीतर उम्मीदवार उन पर चढ़ बैठे, उनकी ऐसी तैसी कर दी फोन पर, उसका ऑडियो वायरल हुआ। मैं इसीलिए धनबाद गया कि कृष्ण अग्रवाल को ढाढ़स बधाऊँ। पहले दिन मेरे ऊपर भी कोई प्रिंस खान हैं, उन्होंने धमकी दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता पिछले 2.5 साल 3 साल से प्रिंस खान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और एक व्यक्ति जो अनशन पर बैठा अपने समाज के हितों के को बचाने के लिए, तो उस पर धमकी आ गई। इस पर बाबूलाल जी ने भी कुछ नहीं कहा, कहीं धमकी देना उचित है कि नहीं है, जबकि दोनों ही ऑडियो का स्क्रिप्ट एक जैसा है, आवाज़ अलग अलग है। सभी लोगों ने कंफर्म किया वहाँ के कि प्रिंस खान की ही आवाज़ है। तो आखिर प्रिंस खान में, इनके उम्मीदवार में, साथ में जेल में रहते समय क्या समझौता हुआ है? पूरी पार्टी ही चुप है, लंबे समय से चुप है, और जो मामले को उठाता है उसको धमकी मिलती है। मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लाया और झारखंड की सरकार ने कहा कि सरकार ने गृह मंत्रालय को लिख दिया है कि आप प्रत्यार्पण के लिए बुलवाइए उसको, और गृह मंत्रालय ने भी विदेश मंत्रालय को लिख दिया। ये दिसंबर 2023 का मामला है। तो जब लिख दिया तो बाबूलाल जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अधिकारी के डांड में रस्सा बांध के और हाथ में हथकड़ी लगा के उसको जरा दिल्ली के एयरपोर्ट पर तो उतारा जाए, ताकि तस्वीर बने, मीडिया देखे। तो कोई एक पहल इसमें उन्होंने किया है क्या इसके बारे में? इसलिए ये बातें मैं कर रहा हूँ कि बाबूलाल जी को जैसे कुएं में भांग पड़ जाती है, वैसे ही लगता है कि भाजपा के कुएं में भांग ही पड़ गई, किसने डाल दिया। तो धनबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी अपील यही है कि इस विशेष परिस्थिति में ये लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए आ गया है, उनके पार्टी के जो नेता आदेश दे रहे हैं उससे अलग होकर, ये एक मुख्य बिंदु था। सर, धनबाद से चुनाव लड़ने में क्या चर्चा है आपकी? लगातार चर्चा बनी हुई थी केजरीवाल, अब चुनाव लड़ेंगे? चर्चा लंबे समय से बनी हुई है, मैं गया था, मुझे भी लोगों ने कहा, हमारी जो हम लोगों की पार्टी है, मैं संरक्षक हूँ, इन लोग भी रांची में बैठे, इनका भी एक टीम घूम कर आया है। कल यहाँ जमशेदपुर महानगर जिला के भी पदाधिकारी बैठे थे। इन सबका है कि चुनाव लड़ना चाहिए,
और इसका निर्णय इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। और मैंने अलग अलग पार्टियों से भी बात की है कि मैं एक बेहतर उम्मीदवार दीजिए, खोजिए अच्छा उम्मीदवार, मैं भी उसी तलाश में हूँ, मुझसे भी कोई बेहतर उम्मीदवार मिल जाता वहाँ के लिए जो खड़ा हो कम से कम आतंक के खिलाफ में। और एक बार और मैंने बाबूलाल जी से कहा कि आपके जो उम्मीदवार हैं